हाय पिला माने, वेलकम बैक टू आरके ट्यूटोरियल पॉइंट। तमन स्वागत करुच्ची मु रमाकांत। आशा करुच्छी पिला माने तमन बहुत भल तमानकर प्रैक्टिस पूर्व भली चली थिबो एवं तमने वीडियो सब कुछ सिक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करथिले मोर आशा। मु काहेकि कहुच्छी तमानकु जे तमने पिला माने वीडियो सब कुछ सिक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करो। कारण कौन मन रख, जहाँ सब इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छी इम्पोर्टेंट कन्सेप्ट अच्छे मु सिक्वेंस वाइज गोटे गोटे प्रैक्टिस कराऊँ तुमको अति इम्पोर्टेंट। तुमको आ गोटे कथा, आज जो क्लास हम तुमपाई मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। कहीं किसी बेसिक पाठ अच्छे जहाँ तुमको जानवा निहाती जरूरी बाहर तुमको मैंने इकोनोमिक्र गोटे फंडामेंटल नॉलेज तुमको ए मिल किसी छोट छोट पॉइंट अच्छे जहाँ तुमको जानवा द्वारा तुमने ऑनलाइन क्वेश्चन एमसीक्यू सहित टू मार्क फोर मार्क क्वेश्चन करवाई आंसर लिखापी कैपेबल हो पार। आम बहुत गुड़ाए क्लास से कहीपर पांच छोटे क्लास आम अलरेडी सरला। आडम स्मिथ हूँ, मार्शल संज्ञा हो, लियोनेल रॉबिन्स संज्ञा हो, सैमुएलसन संज्ञा हो, यह सब आम संपूर्ण रूप डिस्कसन कर सारीचे और तापर आलोचना करते अर्थनीतिर परिसर। तो पाने आज आम डिस्कसन करवा अर्थनीतिर विषय वस्तु किसी इंपोर्टाट पॉइंट सहित फैक्ट सहित तुम सहित आलोचना करी। 1.1.2 रहा हूँ टॉपिक। रिक्वेस्ट करी जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को आसीच चैनल सहित जोड़ी होकर रुह तुमक सिक्वेन्स वाइज पर डेली प्राक्ट दि जाऊँ। एम सिक्यू कथा जो मैंने कहच रिक्वेस्ट करके अपेक्षा कर, एम सिक्यू तुमको मुझ एक्जाम पूर्व संपूर्ण कम्प्लीट देवी, यहाँ मो रेस्पनसबिलिटी। ओके, तेनालीरु व्यस्त होवार किसी ना, समय सहित प्राक्ट कर चल। एम सिक्यू मो रेस्पनसबिलिटी मो दायित्वबोध सहित मुझ तुमको प्रोभाइड करदेवि। ओके, आज जब चाहो तुमने मत मोटेट करने चैनल को शेयर कर तुमको जो भी स्टडी ग्रुप अच्छे फ्रेंड सर्कल अच्छा जो भी जोटी भी तुमने ग्रुप सामिल अच सेयर कर। तो पाने अर्थनीतिर विषय वस्तु जमीक पूर्व क्लास अर्थनीतिर परिसर कौन आम डिस्कसन करते स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर अफ इकोनोमिक्स। आज आम डिस्कसन करवा विषय वस्तु कौन सब्जेक्ट मैटर कौन अति इम्पोर्टाट तुम्हारा। तो पाने विषय वस्तु कौन ना, असीम अभाव गुड़िक सीमित संबल द्वारा पूरण करी सर्वाधिक तृप्ति साधन प्रक्रिया अर्थशास्त्र विभिन्न दिग गुड़िक आलोकपात करथे। एही प्रक्रिया को अर्थनीतिर विषय वस्तु अंतर्गत करा जाए। हाँ पिलामाने, असीम अभाव कौन मुझ बागरु कही सारी, सीमित संबल कहले कौन बुझ ता डिस्कसन करी, तृप्ति साधन कौन ताकू तुमको जनई। तो ए प्रकार संपूर्ण आम टॉपिक डिस्कसन कर सारी एवं ए प्रक्रिया को अर्थनीतिर विषय वस्तु अंतर्गत करमती मुख्य कहींपर कि इम्पोर्टाट पॉइंट अच्छे जहाँ तुम स्क्रीन में लिखाई। एक, उपभोग, दुई, उत्पादन, तीन, विनिमय, चारि, आवंटन, पाँच, मुद्रा और बैंक, छ, अंतर्देशीय वाणिज्य, सात, राष्ट्रीय भित्ति। तो सब पाने आज आम पूरा बीट बाय बीट वन बाय वन डिस्कसन करवा गोटे भिडियो तुमको मिल जाव। देख, प्रथमतः असीम भाव सीमित संबल सर्वाधिक तृप्ति कौन अर्थनीतिर परिसर कौन और संज्ञा सब कौन पूर्व क्लास सब देखी देखिक आस प्राक्ट करके तुम माइंड गोटे नॉलेज पकेट होकर रोब आम एक्सप्लेन को से अधिक गुरुत्व देता। चलतु बर्तमान प्रथम देखा उपभोग कौन बाहर गोटे गोटे आम सिक्वेन्स वाइज प्राक्ट कराने बर्तमान जहाँ पॉइंट आम स्क्रीन में लिखीचे गोटी गोटी बिट बाय बिट आलोचना करवा अति इम्पोर्टाट ध्यानपूर्वक शुणी। वो बहुत पिला मैंने कह सारे तो कनसेप्ट बहुत इजी कनसेप्ट कहीं बुझेले। देख एबे भी बहुत पिला अच्छा जार कौन मैंने कनसेप्ट क्लीयर है ध्यानपूर्वक क्लीयर हो टे मैंने कौन शुण भल से ध्यान रे। ओके, उपभोग कह कौन बुझा, प्रथम उपभोग को आम इंग्लीश कंजम्पशन कही था जहाँ को आम अलग अर्थ एंजय कहपर ध्यान शुण। मानवीय अभाव पूरण पाई द्रव्य और सेवार उपयोगितार उपयोग को उपभोग कहुए माने मानवीय अभाव पूरण पर मैंने कहले धरतु मु कहली कि मु प्रोटीन खाऊ प्रोटीन मत कौन मिलू जो शक्ति मिलूँ जो बल मिलूँ जो विटामिन मिलूँ ताको उपभोग करुच्ची मो शरीर मुझे ग्रहण करुच्ची। हाँ कि ना सेवा शिक्षक जहाँ मत पढ़ाऊँ वकिल जो धरतु आज कौन प्रकार इलीगल केस है किपर लिगाली जो केस हो तादर बचापी आम जो उपभोग करुचे कहींपर वकिल द्वारा जो सेवा आम पाचे तार संपूर्ण फल किए नौचे आम नौचे तो सी हूँ उपभोग जेकोसी द्रव्य होकोसी सेवा हो धरतु तुम मार्केट जाइ बिरीयी गोटे प्लेट खाइल तो जो तार मिलता जो शक्ति मिलूर आनंद मिलूर
संतुष्ट तुम्हें तो कौन करजे उपभोग कर तुम निजे खाई देखे आउ कौ तू उपभोग कर बिरीयन मूल्य कहींपर कि असंभव कथा तो यह हिं उपभोग कहुए कौन सी द्रव्य कि सेवार जो फायदा थाए जो फलप्रद थाए जो अर्थ थाए आम कहींपर तार उपयोगिता निजे उपभोग कर ना आम उपभोग निजे फिल करने उपभोग आई होप तुम बुझीपार तापर आस उत्पादन ताक आम इंग्लीश प्रडक्शन कही था पाने उपभोग आवश्यक होता विनिमय मूल्ययुक्त उपयोगिता संपन्न द्रव्य और सेवार सृष्टि उत्पादन कहुए ये उत्पादन सीधार्थ कौन प्रडक्शन कौन सी जिनस कौन प्रडक्स प्रडक्ट करूँ मुझे कहली कि आम प्लास्टिक रु ग्लास या किंबा कहींपर माने नॉर्मल ऑर्डिनरी पेपर रु आम पेपर प्लेट या मैंने गोटे गोटे एग्जांपल को बुझ प्लास्टिक आम यूज करके जो धर कहीपर गाड़ी जो आम जो लगी फाइबर सब कि किण सब आम उपभोग करूचे से जो प्रडक्ट जो सृष्टि होती मोबाइल फोन हो आम कलम हो खाता हो काठ जो टेबुल या जो अर्थटा को किए उपभोग कर से लिखा जाए ना उपभोग आवश्यक होता विनिमय मूल्ययुक्त उपयोगिता संपन्न द्रव्य विनिमय मूल्ययुक्त कह तुमको धरतु मुझे कहली टेबुल मुझ तुम्हें किणवि तुम्हें किसी अर्थ तुम नब ना फ्रिज दबनी तेणुक ये सब कौन से द्रव्य हो कि सेवार जो सृष्टि को उत्पादन कह जाए आज तुम दुटा अक्षर पाँचटा अक्षर पढ़ी कि जाच बोली आज इन्स्योरेंस एडवाइजर काम करुच कि गोटे आईएस अफिसर हो तो आईएस अफिसर अफिसर तुमको कौन देखा पड़ी श्रम विनिमय कराइक पड़ी श्रम एक प्रकार संबल कहींपर हाँ कि ना तो उत्पादन केमी होना उपभोग आवश्यक होती जो द्रव्य कि सेवा और सी तो फ्री हेबानी ताप किसी विनिमय मूल्य देवाक पड़े ताको आम उत्पादन बोली कही था बुझीपार तापर से विनिमय कौन मन रख असीम अभाव पूरण विनिमय आवश्यकता उपलब्धि हुए जड़े व्यक्ति निजे उत्पन्न करुवा सेवा और द्रव्य द्वारा तार समस्त अभाव पूरण करें ना तेणु अन्यर सेवा और द्रव्य सह विनिमय आवश्यकता थाए जस्ट एग्जांपल भाविन मुँह टीचर तुम हेल लयर कौन ये हम कि भाविन मुँह टीचर तुम हेल डॉक्टर भाविन मुँह टीचर तुम हेल आईएएस अफिसर तो ये कौन हम ना मु आज टीचर तो मुझे ज्ञान मो पाखे अच्छे मुझे पिला पढ़ाई पारि तो से जो पिला पढ़ा कि मोर जो ज्ञान मो पाखे अच्छी मोर काम लगे मैंने शिख कम तुमको शिखेबा धरतु मुझे कहली कि बेटर हम तुमने भाविन तुम हेल गुपचुप बेपारी भाविन मुहली राशन बेपारी तो गुपचुप बेपारी जहाँ मानने प्रडक्ट करा कौन जहाँ प्रदान करा कौन गुपचुप जी खाइब ताखे कौन थोड़ा राशन थी जो गुपचुपवाला किसी उपभोग कर मैंने ये परस्पर परिपूरक कथा कह मेड फर इच अदर कौ सेन्स ना जदि जड़े वकिल मोर सेवा करते कौन केस्रु बचाऊँ कि मुझे कौन से वकिल को दीटा मानने अक्षर बात पिला पिला पढ़े पारि कि तार कलिक्स पढ़ी पारि तेल कौन हम ये मो शिक्षक जो सेवा को सी उपभोग कला मुझ तार वकिल जो ज्ञान को उपभोग कली द्रव्य क्षेत्र में तुम पाखे आज घर तुम धान चाष कर गहम चाष कर खाली धान खाई तो बंचीपर से खाली गहम खाइले बंचीपर मैंने से खाली चाउल खाइले बंचीपर तुम खाली अटा खाइले बंचीपर तो तार से चाउल बेपार कर तुम अटा किण तुम अटा बिक्री कर तुम गहम किण तो ये कौन होनिमय मैंने असीम अभाव को पूरण करने आमर विनिमय आवश्यकता होता है कौन सी गोटे व्यक्ति से जदि निजे उत्पन्न करुवे निजे प्रडक्ट करुवा कौन सी सेवा और द्रव्य द्वारा से सब अभाव पूरण कर समस्त आवश्यकता पूरण करना तेणु से अन्यर सेवा और द्रव्य सह विनिमय आवश्यकता करें स्वाभाविक कथा मुझे केवल तुमने बुझे देली तापर आसवा आम आबंटन को अच्छा विनिमय को आम इंग्लीश कौन कहते तुमने मन रखा जरूरी जान जहाँ एक्सचेंज बोली कही बदल बदल सेन्स विनिमय हो पार आवंटन आम डिस्ट्रीब्यूशन बोली कही थाउ जमी बर्तमान आम ओडा कौन चलती दु प्रकार राशन कार्ड चलती गोटे NFSA आ गए SFSA कौन नेशनल माने जो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी तापर आ गए हूँ माने स्टेट फूड सिक्योरिटी आक्ट दुटा जगह भितर डिफरेन्स कौन रोचे तुमने के कह फ्री टाइम रू तुम बुझेदेवि पाने जो कहली कि राशन कथा कौन पर कहली मन रख आवंटन रोटे जेनराल सेन्स आम आखि आगे देखा आम राशन जितेबाला जाऊे से समस्त सामान भाव दौर पर हेड पिछा आम कहीपर पांच के जी लेखा तुमको जब मिलेगा मत भी सी मिलू कौटी ये अधिका पातरअर ना तो ये आवंटन सेन्सटा कौन ना कौन से एक साधन कौन से एक साधन को आम कहीपर कौन से एक द्रव्य को कौन से एक सेवा को
आम निर्धारण को एक दर निर्धारण आवंटन करवा एक निर्दिष्ट मूल्य दर धरतु मुझे कहली 100 ग्राम फैमिली पैक रोटे पेस्ट आण जी तुमको पड़े से मत पड़ ना मुझ किसी कम आणवी तुम किसी अधिक आण स्वाभाविक कथा समस्त को सामान पड़ो तो आवंटन ताको कहती तो अर्थनीतिर आवंटन मूल्य कहीं अधिका मन रखि था संबल समस्त पाखे सुविनियोग सहित जमीक पेट्रोल आम संबल तुम्हें पेट्रोल पंप को जीव तुमको कौन 102 टाँग पड़े मत कौन 50 टाँग पड़ो कि पड़बन समस्त सामान पड़ो तार अर्थ सेन्स हूँ आवंटन रुत्व अर्थनीतिर अति रु अति गुरुत्वपूर्ण तापर आसवा आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा पिलामाने वर्तमान आम आलोचना करिबा मुद्रा और बैंक अंतर्देशीय वाणिज्य राष्ट्रीय वित्त प्रथम मुद्रा और बैंक कौन मन रख मनी एंड बैंकिंग तो समस्त जो मैंने पढ़ल प्लस टू साइकिल फाइकिल मिलवाई कि कहींपर जेनेल जहाँ पाखे पैसा अधिका अच्छे से मैंने बैंक आकाउंट थी ही थी हाँ कि ना तो मन रख साधन मानकर पाउणा प्रदान एवं द्रव्य और सेवार विनिमय पैसा मुद्रा आवश्यकता होता है मुद्रा रे देन नेण पाई सुविधा जोगाउथिबा अनुष्ठान हेउछि बैंक तेणु मुद्रा ओ बैंक रो व्यवसाय विषय रे ज्ञान अर्थशास्त्र रे अंतर्भुक्त वर्तमान आसिबा मुद्रा कौन पाई देख मुद्रा कहले आम जहाँ को एक प्रकार कही पारिबा जहाँ बिना आमर संसार चलिबा असंभव मुश्किल तो नुह कहले असंभव हो जीव साधन मानकर कहले कौनसी भी सेन्स तुम कौन से द्रव्य आण कौन सेवा आण तुमक से पाउना दबा पड़े पाउनाटा तुम मुद्रा आकार दब मनी आकार दब टा आकार दब कि पैसा आकार दब तुम कौन से द्रव्य और सेवार तुम विनिमय कौन आवश्यक होता है मुद्रा निहाती कथा ना तो असंभव कथा मैंने आम जदि मुद्रा आम पाखे ना तो आम कौन सेवा ना पाईपर ना कौन से द्रव्य आनीपर तेणुक मुद्रार नेण देने मैंने आम पाखे जब अधिक अर्थ रखा ता चोर नहीं कि खंड खाई तो यह प्रकार भय आम फिर ना ही बैंक मतलब ऋण आनीपर तो बैंक हूँ गोटे एमती अनुष्ठान जो भी मुद्रा देणनेण करवा अति गुरुत्वपूर्ण कहीपर ता द्वारा आम किसी लेणदेन कर ना तेणु मुद्रा और बैंक व्यवसाय विषय जो ज्ञान आमको मिलता है अर्थशास्त्र अंतर्भुक्त ये संबल सहित बैंक बा संबल सहित आम कह मुद्रा परस्पर अंगांगी भाव जड़ित कहीं धरतु कहली संबल आम पाखे कोईला अच्छे आयरन ओर अच्छे तो तार सीधा सीधा अर्थ अच्छे सी आम एक प्रकार कहीपर मुद्रार प्रतिरूप जदि बिक्री कर मुद्रा आम मिल जाव तेणुक बैंक सहित ट्रांजाक्शन तो स्वाभाविक कथा जो रही तुम मानक आम भी रखीचे और भविष्य में तार कौन गुरुत्व सामान रहीपर अधिक बढ़ी जापे तापर आसवा अंतर्देशीय वाणिज्य पे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है अंतर्देशीय वाणिज्य कौन ना अभाव पूरण पाई स्वदेश निर्मित द्रव्य और सेवार दुर्लभता जो विदेश आमदानी और से आवश्यक होता वैदेशिक मुद्रार अर्जन स्वदेश द्रव्य और सेवार रप्तानी को अंतर्देशीय वाणिज्य कहुए इंपोर्टेंट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट देशीय मुद्रार दर निर्धारण अंतर्देशीय विनिमय शर्तावली वैदेशिक विनिमय स्थिति संपर्कित तथ्यवली इत्यादि अर्थनीतिर विषय वस्तु अंतर्भुक्त माने गोटे टाइपिस्ट कि कौन लिखुचे पढ़ला बेलू छाड़ व्हाट एवर इट तो पे एटी आम आउे एक्सप्लेन करवा अभाव पूरण आमर वांट को आम फुलफिल करने आम देश में जो निर्माण कर द्रव्य कहीपर आम देश में जहाँ भी द्रव्य आम उत्पादन करुचे सेवा उत्पादन करुचे तार दुर्लभता जो तार अभाव जो तार स्वल्पता जो विदेश आमको आमदानी करवाक पड़ी जमीन आम टेक्निकाली जो जिनस सब आम बेसिकाली चाइना जापान ठू आम मगोचे कहीं आम पाखे आवश्यकता अच्छे कि आम तर उत्पादन करें तेणुक जेहतु आवश्यक वैदेशिक मुद्रा अर्जन कौन कराया दरकार स्वदेश द्रव्य आम रप्तानी दरकार धरतु मुझे कहली मुझ बर्तमान जापान ठू आ टेक्नोलोजी आनबी जापान ठू धरतु मुझे कहली मुझ सिस्टम गोटे किणी मोटे बहुत भल सिम दरकार मो यूज पर्सनल यूज तो मुझे कौन करी जापान टेक्निकल भल जिन मिलूँ मुझ जापान तो जापरिनी चाहिए जापान ठू ये बस जापान मगे पारि कितु मुझे जापानी जो तार जो मुद्रा चलती जापान चलती एन देखो मुद्रा कहते हैं भारत में जापान से एन कहते जो चलू तो पे एन देवी ना मुझे कहि ना दि 4 टा नहीं जाए मतलब देदे तो सी तो ग्रहण कर ही ना तेणुक आम कौन कर जापान को धरत आम आचार पठैले कि भावनी बरकोली तुम जहाँ पठे दि मैंने काश्मीर से पठे दि जापानी 4-5 पेटी सी तुम जापानी कौन दे तुमको जापानी जापानी मैंने तुम से विनिमय करदे तुम इन हूँ एति रहा मोदी 5 इन हो गला तुम गोटे कम कर बर्तमान गोटे सिस्टम किनीपर तो वैदेशिक मुद्रा आमर ये आवश्यक होता है।
କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କୌଣସି ବିଦେଶରୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ରପ୍ତାନିକୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଠାଇବା, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବା ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ଦେଶୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବିନିମୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଆମର କହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ରେପୋ ରେଟ୍ କମିଗଲା, ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି 3% 0.3% ଭଳିଆ ରେପୋ ରେଟ୍ କମୁଛି। ମନେ ରଖିତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରେପୋ ରେଟ୍ କମିବ ତୁମ ଲୋନ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ ବା ଲୋନ୍ର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିବ। କେବେ ଏଇଟା ଭାବିବନି ରେପୋ ରେଟ୍ କମିଗଲା ତ ଆମ ଲୋନ୍ର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଯିବ ବା ଆମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲା, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ରେପୋ ରେଟ୍ କମିଲା ମାନେ ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରିଛ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପଇସା କାହାଠୁ ଆଣିଛ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛ ସେ ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା କହିପାରିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ମନେ ରଖିଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା। ତେଣୁକରି ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଆମର ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀ ଏମିତିକି ମଧ୍ୟ ଅଛି କହିପାରିବା। ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଣିବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅର୍ଥ ହିସାବରେ ଫେରିବା ନା ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଡଲାରରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଟଙ୍କା କରିକି, ହେଇପାରିବ କି? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ରପ୍ତାନୀ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରପ୍ତାନୀ କରିକି ଆମେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରିବା ବାହାର ମାନେ ଦେଶର, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନିଷ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କହିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତା'ପରେ ଆସିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ। ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ ଆମେ ଯାହାକୁ ଫାଇନାନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା କହିପାରିବା ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବା ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିତ୍ତ। ମନେ ରଖ, ସରକାରଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଂଶ ବି ହେଉଛି କ'ଣ, ସରକାର କ'ଣ ଆୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲେ ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଦେଉଛେ, CGST SGST, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସବୁ 99% ଅଛି, କେଇଟା 18% ବାଲା ଅଛି, କେଇଟା 50% ବାଲା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ସୋର୍ସ ଅଛି। ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସ ପିଲା ତ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ଜାଣିଥିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିନଥିବେ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ଜାଣିଥିବେ ଖୁବ୍ କମ୍। ଆମର ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ରୋଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି, LT ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି କି ନୂଆ ନୂଆ କେଉଁଠି ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତର ଅତିରୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏସବୁ ବିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାବେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ଧରନ୍ତୁ କହିଲି ଆମର GDP କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ କେତେବେଳେ କମିବ, ସେନ୍ସେକ୍ସ ପଟ କେଉଁଠି କମିବ କେଉଁଠି ବଢ଼ିବ, ଯେମିତି ଆମର ବମ୍ବେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଜାଣିଥିବ, ତ ମନେ ରଖିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଉପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଧରନ୍ତୁ କହିଲେ ଅମ୍ବାନୀ କେତେ ସେୟାର ରଖିଛି ଲୋକଙ୍କର, ଟିକିଏ ସେୟାର କମିବ ତ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, କୋଟି 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 ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ମୁଁ ଥରେ ଭୁଲ କରିସାରିଛି ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଉ ସରକାରଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ହିସାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କ'ଣ ବୁଝେଇଲି ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବା କହିପାରିବା ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ, ପୁରା ପଏଣ୍ଟକୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝିବା। ଯଦି ତୁମେ ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବେଜିଜ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।